हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं इफ्तार स्पेशल आलू के बरूले। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले हम चटनी तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है और 6 से 7 हरी मिर्च ली है और 4 से 5 लहसुन की कलियाँ ली हैं और हमने इसकी मिक्सर जार में डालकर इसकी चटनी तैयार कर ली है। और ये देखिए, हमने यहाँ पर इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाला है और थोड़ा सा नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। और यहाँ पर हमने 1 चम्मच जो है आमचूर पाउडर डाला। यहाँ पर हमारी हरा धनिया की चटनी जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखिए, यहाँ पर हमने 500 ग्राम आलू लिए हैं उबले हुए। हमने इसको उबाल लिया है और इस तरीके से इन आलुओं को अच्छे से कट कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में। और यहाँ पर हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है और हमारी कढ़ाई में हमने ऑयल डाल दिया है 2 कप। और ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हमने आलू जो है इसमें डालकर अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये देखिए, हमने इसमें आलू डाल दिए हैं। अब हम आलूओं को फ्राई कर ले रहे हैं। इसको हमें अच्छे से डीप फ्राई करना है। ये देखिए, हमारे एक साइड के आलू जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब यहाँ पर इसको हम अच्छे से दूसरी तरफ से भी फ्राई कर ले रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमारे आलू जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में हमने टिश्यू पेपर रखा है ताकि हमारा सारा एक्सेस ऑयल जो है वो टिश्यू पेपर पर आ जाए और आलूओं में ज़्यादा ऑयल ना रहे। इसी तरीके से हम अपने बाकी बचे हुए आलू जो हैं वो भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हम बचे हुए आलूओं को भी फ्राई कर रहे हैं। ये देखिए, हमारे ये भी आलू जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। इनको भी अब हम उसी प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए, हमारे आलू के बरूले जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इस पर कुछ मसाले जो हैं वो ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं, यहाँ पर आलू जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए, अब हम इसमें मसाले जो हैं वो ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर अब हम इसमें 1 टीस्पून जो है वो नमक ऐड करेंगे और 1 टीस्पून जो है वो हम इसमें आमचूर का पाउडर ऐड करेंगे। और यहाँ पर अब हम इसमें 1 टीस्पून जो है वो चाट मसाला ऐड करेंगे। आप इन मसालों को अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा कम और ज़्यादा कर सकती हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने मसाले जो हैं वो ऐड कर लिए हैं। यहाँ पर हमने इसमें थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, करीब 1/2 टीस्पून। और अब हम इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने आलूओं में मसाले जो हैं वो मिक्स कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे इफ्तार स्पेशल आलू के बरूले जो है वो बनकर एकदम रेडी हो चुके हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।